सुबह का नाश्ता हो या चाय के साथ शाम को कुछ हल्का फुल्का खानी हो तो ये नाश्ता आप ज़रूर बनाइएगा ये नाश्ता बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे हम बनाएंगे दो चम्मच तेल में तो ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी रहती है तो आप लंच के लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है तो चलिए बनाते हैं इसके लिए हमने आलू लिया हुआ है तो आठ से दस आलू है तो ये छोटी छोटी आलू हैं दोस्तों तो इसे हमने छील कर धुल लिया हुआ है और इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं अगर आपके पास बड़े साइज़ के हो तो आप दो आलू लेंगे तो आराम से दो तीन आदमी के लिए ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा तो हमने आलू को अच्छे से कद्दूकस करके दो तीन बार धुल लिया है इसमें हम डालेंगे एक बारीक कटी हुई प्याज और इसमें हम डालेंगे दो से तीन हरी मिर्च को बारीक कट कर करके तो तीखा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और एक टमाटर को बारीक कट कर करके डाला है और दो से तीन चम्मच धनिया की पत्ती को डाला है बारीक कट करके इसमें एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे एक चौथाई चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे और आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे और आधा चम्मच इसमें हम जीरा डालेंगे और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और इसमें हम डालेंगे एक दो चम्मच चावल का आटा और दो चम्मच डालेंगे गेहूं का आटा और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हाथे से हाथों से दबाते हुए मिक्स करेंगे और जरूरत लगे जब लगे कि थोड़ा ये चिपचिपा है तो थोड़ा सा इसमें और हम गेहूँ का आटा डाल देंगे तो लग रहा है कि हमें और डालना चाहिए तो हम इसमें एक चम्मच गेहूं का आटा और एक चम्मच चावल का आटा डालेंगे इससे क्या होगा कि चावल के आटे से क्रिस्पी बनेगा ये और इसे मिक्स कर लेते हैं जब ये बंधाने लग जाए तब ये देख सकते हैं दोस्तों ये बंधाने लगा है तो अब इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे चलिए अब हाथ को क्लीन करके बनाना स्टार्ट करते हैं तो चलिए तवे पर डालेंगे थोड़ा सा तेल और इस पर हम डालेंगे एक से डेढ़ चम्मच को इसको और डालकर अच्छे से चम्मच से फैलाएंगे इस पर तो ज़्यादा मोटा हमें नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं और अच्छे से इसमें सेप दे देंगे गोल सेप इस तरीके से ताकि देखने में अच्छा लगे और चलिए जब एक साइड ये सीख जाए तो इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि मीडियम फ्लेम पर इसे हमें सेंकना है तो दूसरी साइड पलट लेंगे और इसे साइड कर देंगे और फिर से दोबारा से इस पर डालेंगे तो एक बार में दो तीन नाश्ता हम बना लेंगे और चार से पाँच मिनट लगता है इस नाश्ते को बनने में तो चलिए इसे भी साइड कर लेते हैं इस तरीके से फिर तीसरा डाल देते हैं तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और बीच बीच में इन्हें भी पलटते रहेंगे चलिए इसे भी पलट लेते हैं और इसे अच्छे से ये देखिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से सीख गए हैं और इसका कलर भी बहुत बढ़िया आया है और क्रिस्पी भी, भी हो गए हैं तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और आपको सर्व करके दिखाएंगे कि ये नाश्ता कैसा बना है तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही यमी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है और इसे आप एंजॉय करिए चाय या चटनी के साथ धन्यवाद दोस्तों फिर मिलते कहीं बिजली